अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर भरत है और मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। मेरा आज का मैसेज है, ये जो शिद्दत, जो टेम्परेचर है इस वक्त, जिसे हम हीट वेव कह रहे हैं, और इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है कि एक तो डायरिया के केसेस और दूसरा हीट स्ट्रोक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में। अब हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हमने करना क्या है? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम जो टेम्परेचर 12 और 6 के बीच में शिद्दत होती है टेम्परेचर में, उस वक्त हम कम से कम घर से निकलें, अपने बच्चों को भी घर से कम निकालें, और ठंडी मशरूबात जैसे शरबत है, जूसेस हैं, और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो और टेम्परेचर मेंटेन रहे बॉडी का। और हमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या वाकई हाइजीनिक है। उसको हमें चाहिए कि फिल्टर्ड पानी हमें घर में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उससे डायरिया के केसेस ना हो। और जो जिस वक्त बच्चों में जो फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है हीट स्ट्रोक की वजह से, उसमें जिस वक्त भी आप देखते हैं कि बच्चे को बुखार, मेडिसिन के अलावा आप कोशिश करें कि उसको पानी से नहलाएं, घर में उसको पानी और ठंडी जगह पे रखें, और पानी सर पे, पेट पे लगाए रखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पूरे सिंध में शदीद गर्मी है, कराची हो, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास और दूसरे इलाकों में, हर जगह गर्मी का राज है। शहरी जब घर से निकलते हैं तो सर ढाँप कर निकलते हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आप जब भी कहीं जाएं तो सर को ढाँप कर जाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेस करें। लेकिन मुलाजमत पेशा अफराद को दूसरी जानब बिजली भी नहीं होती, जिससे शहरी बहुत परेशान है। ज़रूरत इस बात की है, हुकूमत इस मसले पर संजीदगी से गौर करे और सिंध में बिजली की सूरत हाल को काबू करे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन सिंध में इस वक्त बहुत गर्मी चल रही है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले पर गौर किया जाए और तवज्जो दी जाए। ऐसा लगता है जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया है, हर तरफ गर्मी का राज है, लेकिन मुलाजमत पेशा अफराद को घर से निकलना है, उनको इस गर्मी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले पर संजीदगी से अमल करे। दूसरी जानब गंदे पानी की वजह से तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। सिंध के हर हॉस्पिटल में मरीजों का रश है, जो इस बात का सबूत है कि इस वक्त हेल्थ की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। शहरी बहुत परेशान है, उनका कहना है कि हुकूमत इस महंगाई के दौर में जब डॉक्टर से दवाई ख़रीदना ही बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर से, तो ऐसे में अगर पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो वो कहाँ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हुकूमत लोड शेडिंग पर तवज्जो दे, जो बहुत ज़्यादा हो रही है उसको कम करे। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अभी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के मनाजर, कई लोग दाखिल हैं और अपने, यहाँ तक के छोटे छोटे बच्चे, 6 महीने, 4 महीने के बच्चे भी जो है हॉस्पिटल में दाखिल हैं। वहाँ भी गर्मी का मौसम है, सूरत हाल बहुत ख़राब है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि कम से कम हॉस्पिटल में तो बिजली का बंदोबस्त करें, ताकि मरीजों को परेशानी कम हो। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
असि हिजा बची वही ना में।